नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं गोवा की, जहां वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग के बाद अब चुनाव परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन चुनाव परिणाम आएंगे 10 मार्च को। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय ठाकुर, सीनियर जर्नलिस्ट औरंगजेब नक्शबंदी और अविनाश तवारिस, जो गोवा में कांग्रेस के रिसर्च सेल के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हम अजय के पास जाएंगे। अजय, इस बार वोटिंग जो है बाकी स्टेट्स के मुकाबले गोवा में एक हायर परसेंटेज हमको देखने को मिला, लेकिन 2017 के मुकाबले गोवा में जो वोटिंग हुई है वो 2017 के मुकाबले वो कम है, तो इसका इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? राजेश, अमूमन गोवा में 79 से 85% के बीच जो है वो वोटिंग होता है, इलेक्शन दर इलेक्शन। पिछले इलेक्शन में इस इलेक्शन से 2-4% ज्यादा वोटिंग जरूर हुई थी, लेकिन इस इलेक्शन में कम वोटिंग का इतना भी कम वोटिंग नहीं हुआ है जिससे कि हम ये कहें कि भाजपा को एक तीसरा टर्म मिलेगा या ऐसा कोई भी बात। एक चीज देखा गया है उत्तर गोवा में, जो कि भाजपा की गढ़ है, वहां पे वोटिंग जो है वो दक्षिण गोवा से ज्यादा हुई है। कुछ बड़े रोमांचक यूं कहिए कि वोटिंग भी हुई है। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत के अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सांकली, वहां पे ऑलमोस्ट 90% वोटिंग हुई है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड रहा है। और सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं रहा है, उनके लिए काफी परेशानी का भी सबब बन सकता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि अगर थोड़ी लो परसेंटेज अगर होती है वोटिंग की, तो वो हमेशा इसके पक्ष में जाता है, भाजपा के प्रतिकूल जाता है। तो एक तो वो देखा गया है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी ये भी पैटर्न देखी गई। हमने जो लोगों से यहाँ पे बात की, हर एक पार्टी लाइंस पे बात करने, ये पता चला कि जहां पर लोगों का है वो काफी स्पॉन्टेनियसली लोग बाहर निकल के वोट कर रहे थे। और उस बीच में जब ये बात आई कि प्रमोद सावंत के होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा वोट पड़ने लगा है, तो उसका एक पूरा गोवा में असर देखा गया कि अक्रॉस द स्टेट जो है वो वोटिंग काफी बढ़ गई और बहुत ही इंटेंसिवली वोटिंग होती रही। और ये सब के बीच में जो है वो एक इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई है कि जो 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 सेकेंड हाफ जो था दिन का, उसमें जो है वो लगभग एक तरह से यूं कहिए कि फोटो फिनिश और इतने लोग तादाद में आने लगे, तो कई जगह जो है जो साधारणतः देखा जाता है कि पार्टी के काडर लोगों को लेके आते हैं, उसकी जरूरत बहुत जगह नहीं भी पड़ी। भाजपा के काडर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो हमें मालूम पड़ा है, और वो ये है कि बहुत सारे भाजपा के वोटर्स जो है, जो काडर वोटर भी नहीं, काडर जो है वो नेगेटिव वोटिंग उन्होंने किया है। और ये उन्होंने हमें बताया भी था कि इस बार, क्योंकि उनके लिए ये जो इलेक्शंस है वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरह है, क्योंकि 60% जो कैंडिडेट है वो मूल भाजपाई नहीं है, तो इसीलिए जो है वो पार्टी चाहती है कि एक उनकी एक ऑटोफेजी जो बोलते हैं, सेल्फ क्लीनिंग जो होता है वो हो, तो इसलिए भी बहुत सारे इसलिए भी एक जो बीजेपी बहुल क्षेत्र है वहां पे भी जो है वो वोटिंग बहुत अच्छी खासी पड़ी है। और एक तरह से, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो जो हमें अभी तक मालूम पड़ा है वो ज्यादातर फाइट्स जो है 1-to-1 ही होगी कांग्रेस और भाजपा के बीच में। 3-4 बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी आने के आसार हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बाहुबली सब हैं, वो धूल चाट सकते हैं, उसकी भी संभावना है। राजेश, मैं अविनाश के पास जाना चाहूंगा। अविनाश, 2017 में ये एक किस्म से वो कांग्रेस का काला अध्याय था, ब्लैक चैप्टर। आप नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभरे लेकिन सरकार नहीं बना पाए।
इस बार हमने देखा कि कांग्रेस ने उस छवि से निपटने के लिए काफी कुछ किया, लेकिन अंत में आकर एक स्टिंग ऑपरेशन ने फिर से एक एक कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश की। तो आप जब इस बार चुनाव प्रचार के बारे में जब आप रणनीति बना रहे थे, तो आपने किन किन बिंदुओं पर गौर किया कि ये गलतियां हम नहीं दोहराएंगे इस बार के चुनाव प्रचार में, और ये स्टिंग ऑपरेशन जो है इसने कितना असर डाला आपकी नजर से? ये इस बार टीएमसी और आप और ये दूसरे न्यू पार्टीज के वजह से हम लोगों का कैंपेन जो है वो पहले 3-4 महीने शुरू हुआ था। लाइक बिफोर इट वाज एवरीथिंग वाज यू नो कंसंट्रेटेड इन द लास्ट 1 or 2 months, पर इस बार हम द फुल मॉडल जो है वो अलग था। पहली बात जो है जो हमारी कैंपेन इट वाज मोर सेंट्रलाइज्ड, सो एवरीथिंग फ्रॉम आवर एडवर्टाइजमेंट्स टू आवर यू नो होर्डिंग्स एवरीथिंग वाज सेंट्रलाइज्ड, और जो कैंडिडेट्स है उनको उतना मतलब काम नहीं करना पड़ा। लाइक फॉर इन ऑल दीज सेक्टर्स वी हैड लाइक वीडियो स्क्रीन्स एंड यू नो ऑल द फ्रॉम राइट फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट्स टू द वीडियो क्लिप्स एंड एवरीथिंग वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। देन हम द गुड थिंग वॉज द अमाउंट ऑफ जो इंटरेस्ट सेंट्रल लीडर्स ने लिया था गोवा के कैंपेन में, जैसे राहुल गांधी 3 बार आ चुके आए थे, प्रियंका गांधी शी केम ट्वाइस, देन कन्हैया कुमार केम ट्वाइस, सो इतने सारे स्टार कैंपेनर्स आके यहाँ पे लाइक दे स्प्रेड द मैसेज दैट इट हैज गॉन थ्रू टू एवरी यू नो हाउस दैट वी आर सीरियस अबाउट दिस इलेक्शन। अनलाइक लास्ट टाइम, जब लास्ट टाइम क्या होता था कैंडिडेट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी यू नो प्रचार के लिए, इस बार जो है वो दे वर वेरी फोकस्ड ऑन डोर टू डोर स्मॉल कॉर्नर मीटिंग्स, सो दैट इज वन थिंग। एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द वे इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, जब वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था लोगों तब तक लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि किसको वोट करने वाले हैं। और स्टिंग ऑपरेशन में एक बात एक यू नो एडवांटेज जो हमें मिला वो आम आदमी पार्टी ने पहले ही जो स्टिंग ऑपरेशन किसके ऊपर किया था उनके नाम पहले ही लास्ट वीक लिया, मीन्स 1 week बिफोर दे हैड टेकन इट इन टेकन देयर नेम्स इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो लोगों को वो डाउट लगा कि आम आदमी पार्टी इज बिहाइंड दिस, वॉज दिस थिंग मास्टर माइंड बिहाइंड दिस, and because of that it became a sympathy for us rather than you know few people on social media you know they have spoken about it and criticized Congress, but overall on the ground there was a sympathy for us, because even if it was true, let's say there was hint, they should have done it before, not right at the end when there was no chance for us to you know counter and in form of natural justice was denied to us. So all these things helped, and because we were so organized, we could concentrate on those attacks and you know counter them on time. ठीक है, अब बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। अब मैं औरंगजेब के पास जाना चाहूंगा। औरंगजेब, मुझे लगता है कि कांग्रेस की असली जंग जो है, अगर हम 2017 का अगर एग्जाम्पल लें, तो चुनाव जीतने के बाद शुरू होगी। अपने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद अपने एमएलए को इकट्ठा करना, अगर रेजर थिन मार्जिन होगा तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। दिनेश गुंडूराव ने ट्वीट किया और अपनी प्रेडिक्शन दी है, उनके मुताबिक कांग्रेस 20 के आसपास जीत रहे हैं, बीजेपी डबल डिजिट नहीं क्रॉस कर रही है, फिर गोवा फॉरवर्ड पार्टी 1 से 2, एमजीपी 3 से 4 और अदर्स 2 से 3 वो कह रहे हैं। तो 20 और अलायंस को लेके तो कंफर्टेबल मेजोरिटी वो दिखा रहे हैं कि उनको आई है, अलायंस को, कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को। ये अगर बीजेपी और कांग्रेस में मार्जिन कम रहा तब दिक्कत आ सकती है कांग्रेस को, जो हमने बाकी स्टेट्स में भी देखा है, जैसे मध्य प्रदेश आप देख रहे थे कि जहां कम मार्जिन है वहां इनके एमएलए तोड़ते रहे, दूसरी पार्टी बीजेपी खासकर तोड़ देती है। अब देखना पड़ेगा कि गोवा में क्या रहेगा फाइनल आउटकम, उसके आधार पर ये पता चलेगा कि कितनी वल्नरेबल है ये पार्टी। अब देखिए स्टिंग भी हुआ,
अब अविनाश ने डिफेंड किया अब कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक लोगों में ये बात भी आ जाती है कि इन्हीं के एमएलए के बारे में क्यों। देखिए ये अगर हम चौतरफा ये हो रहा है, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पहली बार कांग्रेस के एमएलए के बारे में नहीं आ रहा, हर तरफ आ रही, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, जब बाद में कोर्ट ने उनको वापस सरकार दिलवाई हरीश रावत को, तो हम हर जगह देख रहे हैं। अच्छा राजस्थान में ऑलमोस्ट आप देख रहे थे सरकार गिरने वाली थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के एमएलए जो हैं वल्नरेबल। और आम आदमी पार्टी ने, अविनाश बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने तो अपना ये कैंपेन प्लैंक बनाया था कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे वो बीजेपी को चला जाएगा। तो बहुत अब चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अगर रेजर थिन मार्जिन हो, अगर डिफरेंस काफी होगा तब तो ये कंफर्टेबल है, लेकिन अगर नहीं होगा राजेश तो काफी प्रॉब्लम्स होगी जी। और ये पंजाब के बारे में हम सुन रहे हैं, वहां हालात बदल रहे हैं, कुछ कांग्रेस के खिलाफ हल्की सी हवा बहने लगी है, उत्तराखंड में तो बहुत ही कड़ी टक्कर है और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस किसी गिनती में नहीं है, तो एक जो ब्राइट स्पॉट जो है वो गोवा है, तो गोवा में हाउ फॉर्मिडेबल मेजॉरिटी विल बी फॉर्मिडेबल अनब्रीचेबल। आपने कहा कि रेजर थिन नहीं होगा, तो कितना ऊपर जाना पड़ेगा कांग्रेस को? अगर राजेश अगर हम गुंडू राव का प्रेडिक्शन देखें, अगर उन्होंने बीजेपी को 9 के आसपास दिखाया, अगर उतना रहे और कांग्रेस 20 के आसपास, तब तो मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको काफी आगे जाना है, बहुत सारे सीट्स, जैसे राजस्थान में हुआ, राजस्थान में बीजेपी नहीं कर पाई बिकॉज काफी गैप था, तो अगर यहाँ भी गैप रहा तब तो मुश्किल होगा। अगर ये जो प्रेडिक्शन इन्होंने किया है अगर ये ठीक हुआ तो इसका मतलब है फिर कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन अगर पास पास रहे तब तो फिर दिक्कत में आ सकती है। पास पास का मतलब है देखिए 21 आनी चाहिए, और 21 का मतलब है अगर बीजेपी 13-14 के आसपास आई, लास्ट टाइम भी 13 ही थे उनके, तब तो फिर कुछ भी हो सकता है, गेम तो कभी भी ये खेल सकते हैं। और अब ओथ ले ली है कांग्रेस पार्टी ने अपने मेंबर से, कितना वो मानेंगे, कितना वो रखेंगे उन कस्मे वादों को, वो देखने की बात है राजेश। हाँ मैं ये सवाल अजय से पूछना चाहूंगा, गाना है बॉलीवुड का कस्मे वादे निभाएंगे हम, कितनी उम्मीद की जा सकती है कांग्रेस के जो भविष्य में जीतने वाले एमएलए से? राजेश ये ना बहुत ही एक दिलचस्प वाक्या आज हुआ यहाँ पे। कांग्रेस की अपनी स्टॉक टेकिंग की मीटिंग थी जिसमें सारे के सारे कांग्रेस के लीडर्स आए थे, और अचानक में दरवाजा खुलता है और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर के सुप्रीमो जो है विजय सरदेसाई वो अंदर आते हैं, और उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि आते देरी, उन्होंने कहा कि मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग पावर में रहे या ऑपोजिशन में, ये अलायंस रहेगी बरकरार। फ्रॉम मैंने कांग्रेस के जो जितने कैंडिडेट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था, क्योंकि याद रहे पिछली बार इसी व्यक्ति की वजह से कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। दूसरा, कांग्रेस के पोडियम पे माइकल लोबो बैठे हुए थे, ये वही माइकल लोबो थे जो पिछली 2017 के इलेक्शन में उन्होंने मैनेज किया था और विजय सरदेसाई और गोवा फॉरवर्ड को भाजपा के पक्ष में लाया था। इस बार क्या है कि जो पिछली बार की गलतियां थी वो एक तरह से आप यूं कहिए कि सब इस पे जो है कांग्रेस पहले से ही काम कर रही और मल्टी लेवल पे काम हो रहा है, कभी अलायंस की बात हो रही है, कभी अलायंस पार्टनर के को जो बहुत ही दिलचस्प बात है, कहा जाता है, हम लोग इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं जी गिरीश चोड़ंकर, वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंटरेस्ट रखते हैं फतोड़ा में, जहां से विजय सरदेसाई हैं जो अलायंस पार्टनर के हैं।
और दोनों के संबंध जो है कभी हाँ कभी ना वाली होती है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात है कि कल जब वोटिंग चल रही थी तो गिरीश चोड़ंकर जो है बकायदा फतोड़ा में घूम घूम के लोगों को बोल रहे थे कि हमारे अलायंस पार्टनर जो है के कैंडिडेट हैं विजय सरदेसाई, उनके लिए वोट आप दीजिए। ये एक बहुत ही ज्यादा मेंटल शिफ्ट जो है वो देखा जा रहा है इस इलेक्शन में। सबसे बड़ी बात है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस वो सब कर रही है जो कि आज तक कभी नहीं की थी। उस फेहरिस्त में सबसे ऊपर आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस ने तो इतना तक, जब बातें हो रही थी तो इतना तक हो गया कि भाई ऐसा है रिजल्ट जब 10 तारीख को निकलेगा तो 6 बजे शाम के 8 या 9 बजे के आसपास में कभी का उन्होंने कहा कि हम लोग सारे के सारे जो चुने हुए जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके सब जो है वो गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो है वो दफ्तर में आएंगे। इतनी पहले की प्लानिंग आज तक तो मैंने कभी कांग्रेस में देखी नहीं। तो वाकई ये चीज है कि बहुत सारे चीजों को इन्होंने बहुत ही सीरियसली लिया है, बहुत एडवांस प्लानिंग हो रही है और डिफरेंट लेवल्स पे हो रही है और बार बार सबका सब एक ही बात कह रहा है कि भाई अभी से लेके जो करीब 23-24 दिन का जो इंतजार है उसमें जो है हम लोग एक दूसरे से संपर्क में रहें, कोई भी कमजोर कड़ी ना रह जाए, खासकर क्योंकि बहुत सारे नए नए MLAs आए हैं तो जिनको नहीं मालूम है। और ये जो स्टिंग हो गया, स्टिंग की वजह से क्या हो गया कि सडनली सबका सब ये चीज आ गया कि भाई ये भी हो सकता है। और छोटी छोटी यहाँ की जो लोकल जो तरीके तौर तरीके होते हैं उसके बारे में बात होने लगी कि भाई इस तरह से कभी गलती से भी यहाँ पे मत कह देना, वहां पे ना कह देना, क्योंकि लोग उसका मीडिया उसको दूसरे तरह से उछालता है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बारीकियों पर इन्होंने काम किया है और उम्मीद पर ही इंसान टिका हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वही कर रही है अभी, अविनाश भी इस बात पे मेरे से ही करेगी। अविनाश के पास दोबारा से चलते हैं। अविनाश प्लीज अपने आपको, हाँ आपने अनम्यूट कर लिया। अविनाश, ये जो गोवा में जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव प्रचार किया है, लड़ाई लड़ी है, गोवा अपने आप में एक यूनिक स्टेट है, बल्कि ये कहा जाए कि हर स्टेट अपने आप में यूनिक होता है, लेकिन क्या ये इसको माना जा सकता है कि एक किस्म से टेम्पलेट सेटिंग हो सकती है कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए? बाकी राज्यों में क्या इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है? कुछ एक चीजें तो ऐसी हैं जिनको दोहराया जा सकता है, क्या वो चीजें हैं जो जो कांग्रेस जो है बाकी राज्यों में भी कर सकती है जो इस बार उन्होंने गोवा में की? गोवा में इलेक्शन बाकी राज्यों से थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे इट इज लाइक अ पंचायत इलेक्शन। सो लीडर्स जो कैंडिडेट्स को जो है डोर टू डोर जाना पड़ता है और लोगों को एवरी फैमिली को कन्विंस करना पड़ता है। सो क्या ये मॉडल वहाँ दूसरे राज्य में चलेगा? इट मे नॉट बी पॉसिबल, बट जो स्टेट लेवल प्रदेश लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन किया था, आई मीन द वे इट वॉज ऑर्गेनाइज, like for example social media team, then the visual media team, research team, aur jo har ek team ne responsibility liya tha and they delivered results. So that and they were backed by the central leadership. Aisa nahi tha last time jab kya hua tha, sirf ek hi team like they were handling 2-3-4 duties and central leadership involvement bahut minimum tha. So, इस बार जो है फंडिंग ऑल्सो द फंडिंग ऑल्सो वॉज मोर, बट आवर द वे इट वॉज ऑर्गेनाइज, द वे गोल्स वर सेट, एवरी डे पीपल वर यू नो इंक्वायरिंग क्या हो रहा है, वॉट इज द आउटकम ऑफ दिस। सो दैट लेवल ऑफ सीरियसनेस विच केम इन दिस इलेक्शन, जो इतना सीरियसली लिया था, और प्राइमरली आई कैन से बिकॉज जो TMC की वजह से और आम आदमी पार्टी की वजह से, जो जैसे उन्होंने मार्केटिंग किया था, द वे दे वर ऑर्गेनाइज्ड, सो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस आल्सो टू टेक दिस इलेक्शन मोर सीरियसली देन वी वुड अदरवाइज हैव। सो यस, इट इज अ मॉडल जो प्रदेश लेवल है, ये मॉडल रेप्लिकेट तो जरूर कर सकते हैं। जो न्याय स्कीम, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द मैनिफेस्टो पॉइंट, न्याय स्कीम जो है दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अपीलिंग
मैनिफेस्टो प्रोमिसेस वी मेड टू पीपल, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ 2000-3000 कुछ प्रोमिस किया था हर यू नो फॉर एवरी वुमन, देन फॉर टीएमसी ने 5000 प्रोमिस किया था, तो लोग थोड़ा उनके माइंड दे वर बिट स्वेड बाय दैट. But because of this under Rahul Gandhi's Nyay scheme, it was very uniform that we have to do it. It doesn't matter on the state finances, whatever it is. But because Rahul Gandhi gave that order that this has to be one of our main, you know, schemes. So that gave it a level of seriousness and it gave a level of, you know, guarantee for people that we are going to do this. So if at all we can, that if at all this message can be passed the same way throughout the country, it is not just we can win the states, we can also win the national election, because one sign is very clear that we are going back to our socialist roots. Jo center, right of center Congress tha 2000, you know, from before 2014, you know, the center and even at the state. That has led to a bit of loss for the Congress party in terms of identity. मैं आपको टोकना चाहूंगा, आपने कहा कि कांग्रेस अपने सोशलिस्ट बेस की तरफ जा रही है, लेकिन हम जो देख रहे हैं जनता जो है वो तो दूसरी तरफ जा रही है. ऐसी जिस देश में जिस तरीके का माहौल है उसमें जनता को राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षित करने के लिए क्या कांग्रेस का सोशलिस्ट बेस पे जाना मुफीद होगा, सही होगा? So, ये अगर आप जो किसान आंदोलन देखे जाए वो क्या था, वो प्राइमरीली इट वाज अ मूव टू गेट बैक टू सोशलिज्म, क्योंकि वहां पे राइट विंग कॉर्पोरेट पॉलिसीज उनपे यू नो थोपे जा रहे थे. सो इट वाज अ मूवमेंट टू से दैट ऑल्दो द वर्ड सोशलिज्म माइट नॉट हैव कम एज ऑफन, बट वो क्लियर था कि लोग दे वर गोइंग बैक टू द you know to what it was before, which it was the rights with people, it was the rights which the people had, and it was backed by very sound welfare schemes, whether in form of subsidies or anything. So same thing abhi Goa mein sabse important mudda jo hai unemployment, aur unemployment ko kaise matlab kaise reverse kar sakte hain. पहले जो है यू हैव टू गिव मनी इन पीपल्स हैंड, बिकॉज यहाँ सिचुएशन जो है जैसे बाकी राज्य में है वो सप्लाई साइड प्रॉब्लम है, सॉरी डिमांड साइड प्रॉब्लम है, सप्लाई साइड नहीं है. सो सप्लाई डिमांड साइड कैसे, अनलेस यू गिव मनी इन पीपल्स हैंड दैट वोंट चेंज. सो देयर ऑल्सो देयर इज अ रिकग्निशन, यू कैन नॉट कीप ऑन गिविंग सब्सिडीज टू कंपनीज एंड एक्सपेक्ट देम टू क्रिएट जॉब्स एंड यू नो स्टिम्युलेट द इकोनॉमी. It has to be on giving money into people's hand. That is why the Nyay scheme was very appealing. And same thing, we have also promised 500 crores dedicated budget for employment, whether it is through skill development or through startups. But 500 crores will be allocated with the entire focus on that. मुझे आपको फिर से टोकना पड़ेगा, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास. एक सवाल आपसे, हिंदी में कहावत है जिसको कहते हैं बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना. बहुत सारे हैवीवेट नेता जो है कांग्रेस को छोड़कर चले गए, ये क्या इसको कह रहे कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, इट मेड कांग्रेस मोर निम्बल ऑन फीट? सी, मैं एक एक नेता पर टिप्पणी नहीं करूंगा, बट इफ यू सी देयर पैटर्न, दीज सेम लीडर्स वर द वंस हु वर नॉट यू नो they had shifted the Congress party to the center left. There was one particular MLA who started his own college, for example. Agar aise leaders Congress mein ho gaye, to how will they promote say government colleges? How will they push for free education in government colleges? So that is why it was a blessing in disguise, because that mindset which had taken Congress away from its socialist roots, that has gone away. So hopefully with this new leaders we can you know bring back that thing and you know encourage them to think in terms of socialism, no matter what background they are currently from. But it was the old leaders that was very difficult to change their minds and tell them that the only way to defeat right wing is to go a bit of left or center, that is towards Ajay tippani karna chahta hai. Ajay bahut choti si tippani chahunga. Rajesh, aapke sawal ka jawab main deta hu. Wo बिल्कुल आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है. क्या हुआ है, कांग्रेस का इस इलेक्शन में एक जनरेशनल शिफ्ट हुआ है. जितने पुराने दिग्गज थे, प्रताप सिंह राणे पिछले 50 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो चले गए पार्टी छोड़ के, मैंने वो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा.
लुइजिन फलेरो पार्टी छोड़ के चले गए, रवि नायक पार्टी छोड़ के चले गए, चर्चिल अलम तो खैर थे ही नहीं। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो जो बुजुर्ग थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। जब आप बुजुर्ग पार्टी छोड़ के जाता है तो जाहिर है वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है। लेकिन सिर्फ वैक्यूम ही नहीं क्रिएट हुआ, कांग्रेस ने इस बार क्या किया था, इनकी जो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो थी ऑफ लीडर्स वो इतना बेहतरीन था कि मैं तो बोलूंगा एक फूल प्रूफ नहीं था, लेकिन हाँ एक बार जरूर था, उन्होंने डैमेज कंट्रोल भी बहुत किया। अगर मान लीजिए किसी की टिकट नहीं मिला, अगर वो कहीं जाने लगा तो उन्होंने उसको रोक के वापस अपने पार्टी में ले आया, तो ये सब भी बहुत सारी चीज हुई। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा उनके लिए मौका था, जबकि वो नया लोगों को उन्होंने पार्टी में इन्फ्यूज किया, जो कि लोगों का हमेशा से शिकायत रहा था। तो और यही इनका एक प्लैंक भी बन गया। आप इनकी प्रचार में देखिए, वो कह रहे थे कि 70% हमारे नए फेसेस है, जितने लोग हैं वो क्लियर बैकग्राउंड के हैं। तो वो चीज जो है, हाँ वो एक चेंज आया है, और शायद वही इनके लिए जो है न्यू बर्थ जो होगी। आप आखिरी सवाल के लिए मैं औरंगजेब के पास जाना चाहूंगा। औरंगजेब, अविनाश ने बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु पे उन्होंने रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो अपनी जड़ों की तरफ वापस लौट रही है। अगर हम पूरे देश पे नजर डालें तो औरंगजेब, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद उस तरीके से आज वैसा चमकीला नजर नहीं आता जैसा एक जमाने में था। इस सूरत में कांग्रेस का अपनी जड़ों पर लौटना, जबकि मिट्टी बदल चुकी है, तो वो पौधा कैसे उग पाएगा फिर से? देखिए राजेश, आपको जाना पड़ेगा अपनी जड़ों में, क्योंकि आप जैसे हम दूसरी पार्टी देख रहे हैं, जैसे बीजेपी है, उनका एक हिंदुत्व तो प्लैंक है, तो आप उनकी टर्फ पे नहीं खेल सकते हो, वो मुश्किल है आपके लिए। क्योंकि जब हम जब लोगों की बात करेंगे तो लोग कहेंगे, जैसे कई जगह हमने देखा कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की खेलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ से आपका बिल्कुल हार्डकोर है, एक तरफ से सॉफ्ट है, तो लोग जो है अगर वो जाएंगे तो वो बिल्कुल जेन्युइन रियल उसकी तरफ जाएंगे, उनको सॉफ्ट वाला मामला नहीं चलेगा फिर। तो आपको बेसिक ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी जड़ों पर ही वापस आना पड़ेगा। आपको आज भी जैसे अविनाश ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वेलफेयर स्कीम्स, इस पे फोकस करना पड़ेगा। महंगाई बहुत बढ़ गई है देश में, उसको आपको अपना कैंपेन प्लान न सिर्फ गोवा में बल्कि बाकी दूसरे स्टेट्स में भी बनाना पड़ेगा। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, यह हम देख रहे हैं, और पैंडमिक की वजह से ज़्यादा वो उसमें एस्केलेशन ज़्यादा हो गया। तो अपने जो कोर वैल्यूज हैं, हर पार्टी के कोर वैल्यूज होते हैं, और मेरा मानना है कि अब हर पार्टी को अपने कोर वैल्यूज पे ही रहना चाहिए। जैसे आप बदल जाते हो, जैसे आप दूसरे के टर्फ पे खेलते हो, तो आप कामयाब नहीं होते हो, क्योंकि वो उस टर्फ का एक खिलाड़ी, जमा हुआ खिलाड़ी ऑलरेडी आपके पास है, लोगों को वो जमा हुआ खिलाड़ी वो देख रहे हैं। तो आपको एक अपने कोर वैल्यूज पे ही खेलना पड़ेगा राजेश। जी औरंगजेब, जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए चुनौतियां कई हैं। पहली चुनौती तो जाहिर तौर पर पार्टियों के लिए होती है कि चुनाव जीतना, और कांग्रेस के लिए उससे बड़ी चुनौती ये है कि चुनाव जीतने के बाद अपने सारे MLAs को अपने साथ रखना और सरकार बनाना, और राष्ट्रीय स्तर पर जैसा औरंगजेब ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के पास अपनी जड़ों के तरफ लौटते हैं, किसी और कोई चारा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। एक चीज और कहना था, चूंकि दोनों अविनाश अजय वहां पे है, कहीं हमें ये ना देखना रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ना दोबारा हम देखने को मिले हमें कि जी गोवा से MLA उठा के जयपुर में बिठा दिया गए हैं, ऐसे 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 भी हम देखने को, पता नहीं हो सकता कि हमें मिले। जी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है औरंगजेब, गोवा के स्वभाव में है, खून में है, वहां पे रिजॉर्ट के बिना चारा नहीं चलता, बल्कि दूसरे राज्यों से लोग आके उस रिजॉर्ट का फायदा उठाते हैं। तो देखना पड़ेगा क्या होता है। 10 मार्च का सबको इंतजार रहेगा, और उसके बाद क्या कहते हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि गोवा में एक स्थायी सरकार, मतदाताओं के पसंद की सरकार जो है वहां देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, औरंगजेब, अजय और अविनाश। धन्यवाद।